नमस्कार दोस्तों, द प्लान गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में जो YouTube पर फेक वीडियो चल रहे हैं, जैसा कि हमने एक एपिसोड पहले बना चुके हैं कि गुलाब के जो है पौधों पे लोग कैसे जो है उसको जड़ को चिपका के आपको दिखाते हैं कि गुलाब में जो है फुटाव आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कली में जब भी कभी भी फुटाव नहीं आता। मैंने उसको बहुत विस्तृत से बताया, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो आज जो है इसी तरह के एक दो और वीडियो मैं आज जो फेक बन रहे हैं उसके ऊपर से पर्दाफाश करूंगा, और उसको किस तरह से लोग बना रहे हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, हमको जो है ऐसे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको मालूम हो कि क्या ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, क्योंकि आप लोग ये ट्राई करते हैं और ट्राई करने में जब फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप निराश हो जाते हैं। तो हम जो चाहते हैं कि आप उसको पता करें, देखें, समझें और अच्छे वीडियो को देखें और वैसे ही प्रयोग करें। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो फेक वीडियो जो बन रहे हैं उसको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाया है, और उसको मैं कैसे बना रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से देखिए। चलिए, तो दोस्तों, बोगनविलिया के पौधे को लगाने के लिए इस तरह से वो जो है कटिंग लेते हैं, और कटिंग को ऐसी काट लेते हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर वो या तो फिर आपका लहसुन लगाते हैं, नहीं तो फिर एलोवेरा लगाते हैं, या कुछ भी ऐसा आपको दिखाने के लिए लगा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस तरह से जो है लगाने से जल्दी जड़ें आ जाती है। और उसके बाद में ये इसको जो है ऐसे एक लाइन बना के वो इसको इसमें बो देते हैं इस तरह से, आप देख रहे हैं इस तरह से। बोने के बाद में क्या होता है कि पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद में जो है इस तरह से आप वीडियो देखते होंगे कि इसने बो दिया, उसके बाद में इस तरह से उनने पानी डाल दिया, ये पानी डाल दिया, ये ऐसा पानी डाल दिया, और उसके बाद में जो है इस तरह कंटेनर ढक देते हैं। उसके बाद में जब हटाते हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं कि ये जो है पौधा उंगाया है, ये उंगाया है, लेकिन ये उंगा नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से जड़ाई लगाई जाती है, और वो जो है दोनों हाथ डाल के इस तरह से इसको निकालता है, उसके बाद में जो है ये ऐसी जड़ें भी देखने को मिलती है, और ये जड़ों को जो है वो पानी से धो के आपको दिखा देता है कि इस तरह से जड़ें पौधे में निकल आती है, और आप इसको सत्य मान लेते हैं। दोस्तों, इसका पहचान करने का ये तरीका है कि वो फेक वीडियो कैसा है। तो आप जब ये गमले का सरफेस देखते हैं उसका, तो वो जो है ऐसे उंगली डाल के निकाल लेता है, तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी ये नहीं डाली है, ये मैंने मिट्टी अभी नहीं डाली है ना, तो इसका मतलब है कि वो नई मिट्टी है। और यदि पुरानी मिट्टी होगी, वो बताते हैं दो महीने बाद का सीन बताते हैं, वो मिट्टी पूरी जम गई होती होगी, कड़क हो गई, जिसको कि किसी के औजार के माध्यम से ही आप पौधे को निकाल सकते, आप ऐसे हाथ से नहीं निकाल सकते। चाहे उसको कोकोपीट में लगाएंगे, किसी में लगाएंगे, तो वो कड़क बन जाता है, ऐसा नहीं रहता है। तो आपको देख के भी समझना चाहिए कि ये वीडियो फेक है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि लोग इस चतुराई से वीडियो बना रहे हैं प्रसिद्धि पाने के लिए, कि सिर्फ उनको व्यू से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग उसको पहचानें, उन चीज़ों को, ऐसे वीडियो से बचें, और ओरिजिनल वीडियो को देखकर ही प्रयोग करें। क्योंकि कटिंग लगाने के बहुत तरीके हैं, आप बूटी बांध सकते हैं, आप जो है बारिश में खड़ी कटिंग लगा सकते हैं, नहीं तो आप ग्राफ्टिंग बना सकते हैं, एयर लेयरिंग बना सकते हैं, या कोई बड़ा पौधा हो गया तो उसको ज़मीन पर लेटा के उसमें कट लगा के ज़मीन पर मिट्टी डाल के बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इस ऐसे तरीके शॉर्टकट होते हैं और ये सक्सेस नहीं होते हैं, जिसमें आपको निराशा होती है। दोस्तों, एक बार और दिखा दूं मैं, या आपको बता दूं कि ऐसे वीडियो में फेस नहीं होता है, सिर्फ म्यूज़िक चलता है, और वो जो भी पर्सन क्रिएटर रहता है वो बताता रहता है कि ऐसा होता है। यदि चेहरा हो और मेरे को आप फेस टू फेस देख रहे हैं, यदि मैं झूठ बोलूँगा या कोई गलत काम कर रहा हूँगा तो चेहरा ज़रूर बता देगा। इसलिए आप ऐसे वीडियो देखें कि जिसमें क्रिएटर खुद हो, उसका खुद का चेहरा हो, खुद की आवाज़ हो, और खुद करके दिखा रहा हो, और उसका खुद का कुछ अनुभव हो, ऐसे क्रिएटर का वीडियो आपने देखना चाहिए। नहीं तो क्या है, दुनिया में प्रसिद्धि पाने के लिए लोग कई प्रकार के काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने जो
गमले में जो जड़ें दिखी कि किस तरह से दोनों साइड से जड़ें निकली है और बीच में जो है फुटाव आया है, और उसको मैंने आपको निकाल के भी दिखाया। वास्तव में वो बनाया कैसे है उसको जानना चाहिए। ये जो है दो बोगनविलिया की जो है इस तरह से हमने कटिंग ली है, या जो बना रहे हैं उनने इस तरह से कटिंग ली है, और कटिंग हूबहू ऐसी लेते हैं वो कि दोनों कटिंग लगभग थिकनेस और लंबाई चौड़ाई एक जैसी दिखे, तो वो ऐसा लेते हैं। और इस कटिंग को उनने जो है यहाँ पर गमले में लगाया, मतलब कटिंग को गमले में गाड़ दिया, और उसके बाद में जो बताया कि एक महीने बाद जो है वो इस तरह से फुटाव आ गया। और इसमें जड़ें कैसे निकली वो भी दिखाता हूँ। तो जड़ें कैसे निकली हैं, सबसे पहले तो उनने जो है उसको इस तरह से कट किया था, ये देखिए ऐसे उनने इसको कट किया था, ये देखिए। कट करने के बाद में इसमें जड़ें उनने लगाई थी। अब जड़ें कैसे लगाई थी, ये एक घास है, वीट चारा है, जो कि खरपतवार जो कि सभी जगह पर रहती है, तो उन्होंने इस तरह से जड़ें निकाली। अब जड़ें इस तरह से, ये देखिए ये जड़ हो गई, ये देखिए ये जड़ हो गई, और इसको फेविक्यूक के माध्यम से चिपका देते हैं। अब चिपकाते कैसे हैं, जड़ों को सबसे पहले जो है उन्होंने इकट्ठा ऐसे किया और उसको फेविक्यूक डाल दिया, इस तरह से फेविक्यूक डाल दिया ताकि वो आपस में चिपक जाए ऐसे, और उसके बाद में जो है वो पौधे के इस तरह से इस भाग पे यहाँ पे डाला और ये इस भाग पे, ताकि जो है आपको ओरिजिनल दिखे। ये देखिए ये जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ऐसे जड़ें लगा दी है और उस पर फेविक्यूक डाल दिया। ये देखिए ये जो जड़ है यहाँ पर उंगाई है, ऐसा दिखाते हैं वो ताकि आपको भ्रमित कर सके, आपको ओरिजिनल दिखे, और आप ऐसा ट्राई करके देखें। पर क्या होता है दोस्तों, आप जब ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका समय ख़राब होता है, उसके बाद में जो है आपका आत्मबल गिरता है, क्योंकि जिस काम को आप बार बार करते हैं और वो सक्सेस नहीं होता है तो आपका मन ख़राब हो जाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग गार्डनिंग करना छोड़ देते। और जैसे ऐसे इधर जड़ जुड़ी है, ऐसे कैसे इधर भी जड़ जोड़ देते हैं, तो वैसे ही करना है जैसे मैंने लिया था जड़। अब आप ऐसे जब फेक वीडियो देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जड़ एकदम अलग दिखती है, नकली जड़ अलग दिख जाती है, जो लगी हुई रहती है वो अलग ही दिख जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जब बताते हैं कि एक महीने में जो है इसमें जड़ें आ गई है, तो एक महीने में जो है इतनी जड़ें कभी भी नहीं किसी पौधे में आती है, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आपने देखा कि इतनी जड़ें जो है कम समय में कभी भी नहीं आती। आप इसने गाड़ा और जो है कुछ दिन कुछ दिखा दिया कि महीने भर बाद इतनी जड़ें आ गई, ये संभव नहीं है। और आप भी ये वीडियो देखकर जान गए होंगे कि ये वीडियो ऐसे वीडियो फेक बना रहे हैं, और आपको ऐसे वीडियो से बचना चाहिए और ऐसे वीडियो को इग्नोर करना चाहिए, और हमारे जान परिचितों को भी ये बताना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप के जो भाई लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आए, नए जो लोग देखकर वीडियो बनाते हैं या नए जो देखकर सीखते हैं लगाना, वो उन पर उनको ध्यान दे सकें और ऐसे वीडियो से बच सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटी सी पहल जो आप तक को सही जानकारी देने के लिए मैंने ये फेक वीडियो का एक्सपोज किया है, पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।